भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो गई है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा भारतीय टीम के लिए हमेशा ही चुनौतियों से भरा रहा होता है। कोहली एंड कंपनी के पास इस बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का अच्छा मौका है, क्योंकि उनके दो दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और वार्नर एक साल का बैन झेल रहे हैं। लेकिन टीम इंडिया के इस दौरे से पहले ही पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने भारतीय टीम के साथ माइंड गेम खेलने शुरू करते हुए भारतीय टीम की खामियों को उजागर करना शुरू कर दिया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइक हसी का मानना है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की कमी खलेगी। टेस्ट सीरीज 6 दिसंबर को एडलीड में शुरू होगी। पांड्या को सितंबर में एशिया कप के दौरान कमर के निचले हिस्से में चोट लगी थी। हसी ने कहा कि मुझे लगता है हार्दिक काफी प्रतिभाशाली हैं और मुझे यकीन है कि ऑस्ट्रेलियाई हालात में वो बेहतरीन प्रदर्शन करते। उनके ऑलराउंडर खेल से टीम को संतुलन मिलता है, उनकी कमी भारत को जरूर खलेगी। सितारों के बिना उतर रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के पास सीरीज जीतने का मौका है, लेकिन मिस्टर क्रिकेट के नाम से पहचाने जाने वाले हसी को यकीन है कि मेजबान टीम का अनुभव गेंदबाजी आक्रमण भारतीय युवा बल्लेबाजों को परेशान करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के पास अच्छा मौका है, क्योंकि ये बेहतरीन टीम है और भारत के पास कुछ बहुत अच्छे तेज गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाजी आक्रमण भी उम्दा है और भारत के युवा बल्लेबाजों को चुनौती देगा। ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर हराना कठिन है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती भारतीय कप्तान कोहली के बल्ले पर अंकुश लगाने की होगी। हसी ने कहा कि मेजबान गेंदबाजों को भारतीय कप्तान के सामने संयम बरतना होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम विराट के खिलाफ तैयारी से उतरेगी, लेकिन उस पर अमल करना होगा। हसी ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोहली जैसे विश्व स्तरीय खिलाड़ी के सामने लंबे समय तक संयम बरतना होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।